पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। लगभग 2 महीने बाद गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी दावे और वादों के सहारे जनता का सपोर्ट लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, गुजरात की सत्ता पर काबिज भाजपा को गुजरात की सत्ता से पिछले कई सालों से दूर कांग्रेस और गुजरात में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की जुगत में लगी आम आदमी पार्टी अब पुरानी पेंशन के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रही है। पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए इसे लागू करने का वादा किया है, अगर वो हिमाचल और गुजरात में चुनाव जीत जाती हैं। यानी कि दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर भाजपा को निशाने पर लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन आखिर ये पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, नई पेंशन स्कीम इससे कितनी अलग है, क्या पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का जो वादा है वो गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है, कैसे ये दोनों पार्टियां जो वादे कर रही हैं वो भाजपा के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं, आइए जानते हैं सब कुछ। ओल्ड पेंशन लेकिन नई बहस। जी हां, गुजरात चुनाव में अब एक नए वादे की एंट्री हो चुकी है। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया था। अब नया वादा यह है कि अगर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी गुजरात में जीतती है तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर देगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गुजरात की जनता से एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं, उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। राहुल गांधी ने भी मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है, गुजरात में भी ऐसा किया जाएगा। यानी कि दोनों पार्टियां गुजरात को साधने के लिए पुरानी पेंशन को चुनावी पेंशन बनाने की कोशिश में लग गए हैं। गुजरात में हजारों सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों ने हाल में प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की थी, तो ऐसे में ये मुद्दा दोनों ही पार्टियों के चुनावी वादों में शामिल होना तो लाजमी था। चलिए पहले आपको समझाते हैं कि आखिर ये पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, नई पेंशन स्कीम इससे कितनी अलग है और आखिर इसकी आलोचना के क्या कारण हो सकते हैं। साल 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। ये पेंशन रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों के वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों को पेंशन का प्रावधान भी था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। इसकी जगह नई पेंशन योजना लागू हुई थी। इसके बाद राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को अपना लिया। इस स्कीम में रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। इस स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है, 20 लाख तक की ग्रेच्युटी की रकम मिलती है, भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है, रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को पेंशन की राशि मिलती है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता, जबकि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती, यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है।
आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को वडोदरा के दौरे पर पहुंचे। केजरीवाल ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए बड़ा दांव खेला। केजरीवाल ने कहा कि वो राज्य सरकार कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग का समर्थन करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात सरकार अहंकार में है, उन्हें सालों की सत्ता में अहंकार आ गया, फिर भी उनके पास मौका है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने का ऐलान करें, नहीं तो आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। पंजाब में भी ये आपका चुनावी वादा रहा, जिसके तहत भगवंत मान की सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की तैयारी में है। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जबकि पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। यूपी चुनाव से पहले भी विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया था। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी को इस चुनावी वादे का फायदा भी मिला। खैर, यूपी में विपक्ष के लिए इस वादे पर आगे बढ़ पाना संभव नहीं हो पाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट में कहा कि पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर भाजपा ने वृद्धों को आत्मनिर्भरता से आश्रित बना दिया है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने का अधिकार है क्योंकि वो देश को मजबूत कर रहे हैं। हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ में इसे पुनर्जीवित किया था और जब गुजरात में हमारी सरकार आएगी तो यहाँ भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी अब पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि पुरानी पेंशन की लड़ाई अब गुजरात के चुनाव पर आ गई है। अब देखने वाली बात है कि भाजपा इस पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर क्या अपने ही फैसले पर यूटर्न लेने के लिए मजबूर हो जाएगी या वो इस चुनौती का डटकर सामना करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में वापस जाना राज्यों के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है, जबकि कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को ही बहाल करने की जिद पर अड़े हैं। ऐसे में ये गुजरात में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पहले ही संकेत दे दिया कि वो पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को भुनाने वाले हैं, तो क्या गुजरात चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम के सहारे इन दोनों पार्टियों को जनता का सपोर्ट मिलेगा? आपकी राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।